क्लियर। ठीक है, अभी हम हबीबगंज थाने पर मौजूद और यहाँ पर आज एक अपराध हुआ। इंस्टाग्राम के माध्यम से सस्ते दामों में अलग अलग चीज़ें बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की गई है। उसे क्रेस किया है यहाँ के जो थाना SI हैं अंकित सिंह बघेल ने, उसकी जांच की है। सर क्या किस तरीके से लोगों से धोखाधड़ी की गई थी, कितने लोगों को शिकार बनाया गया था? इन्होंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाकर ब्रांडेड शूज़ को सस्ते दामों में बेचने के लिए डाल रखा था फोटोज उनकी। इसके बाद ये लोगों को नंबर देते थे अपना, जैसे कि इस नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए। लोग इनसे संपर्क करते थे, जिन्हें पसंद आता था तो ये बोलते थे एडवांस पेमेंट कर दीजिए, हम आपको आपका एड्रेस दे दीजिए, उस पर डिलीवरी कर देंगे। एडवांस पेमेंट लेने के बाद ये कोई डिलीवरी या तो ना तो डिलीवरी करते थे ना पैसा वापस करते थे, एक तरीके से उनसे मुंह मोड़ लेते थे ना फिर उनसे कोई कॉन्टैक्ट रखते थे। ये इस तरीके से इन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया, तो 3 लाख रुपये इनके पास से नकद और बाइक और मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं और अलग अलग नाम के ATM कार्ड और कुछ पासबुक भी जब्त हुए। सर कौन से कंपनी के जूते बताते थे, कौन से ब्रांड के और कितने के, यदि हम खरीदने जाए कितने के होते थे और कितने रुपए उसमें दर्शाते थे? ये जैसे एडिडास के हुए, नाइकी, पूमा, न्यू बैलेंस के हुए, कीमत इनकी करीब वही 10,000 कुछ 20,000 30,000 के अलग अलग कीमतों के जूते थे, जिनकी कीमत ये 1,000 से 3,000 तक बताते थे, किसी की 1500 किसी की 1700 इस प्रकार। किस नाम से पेज बना के रखा था इन्होंने? होलसेल स्टेप नाम से, स्पोर्ट्स होलसेल स्टेप नाम से इंस्टाग्राम पे एक पेज बना रखा है। प्रमोट करते थे, कैसे करते थे प्रमोट? ये उसमें फर्जी वो डालते थे अपने रिव्यूज, दूसरे के पेज से उठाए हुए रिव्यूज डाल देते थे कि ये हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाले, कि ये हमने डिलीवरी किया है हमारा कस्टमर जो है सेटिस्फाई है, वो वैसे वीडियो भी उसमें डालते थे। कुछ एडवर्टाइजमेंट का भी तरीका कैसे? नहीं, इसके अलावा तो नहीं और कोई तरीका। अच्छा, कितने लोग शामिल है इसमें? करते थे उसमें पेज को फॉलो तो करीब 25,000 लोग करते हैं। अच्छा, कितने लोग शामिल हैं? दो लोग शामिल हैं इसमें, दो लोग शामिल। अभी प्राथमिक जांच में दो लोगों का आया और फिर आगे। और भी कोई टीम है इनकी, कोई कॉल सेंटर वगैरह? नहीं, ये तो घर से अपने काम करते थे, किराए के मकान। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये सीहोर जिले के रहने वाले हैं, आस्टा के पास इनके गांव है। क्या नाम है? एक का नाम है कमलेश का, एक सेकंड, कमलेश मेवाड़ा और राजकुमार नाटले। अच्छा, ये दोनों कहाँ के? कुछ प्रॉपर बताया कहाँ के रहने वाले, कहाँ से इन्होंने? सीहोर आस्टा के पास में गांव है इनके, भवरी कला है एक का। अच्छा सर, ये आइडिया कहाँ से आया इस तरीके से लोगों को? आइडिया ये इंटरनेट भी चलाते थे, रील्स देखते थे और हाँ, तो कई आइडिया इनको वहीं से मिला, इंटरनेट से, यूट्यूब के माध्यम से कह सकते हैं, या यूट्यूब फेसबुक पे जो रील्स दिखती है। और इस तरीके 25,000 इनके फॉलोवर हो चुके थे जी। और ठगा कितने लोगों को भी जानकारी, एक ही आदमी भी सामने आया है? हाँ, अभी जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोगों को उनके फ़ोन में तो बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं जिनसे ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी ये क्या, कई लोगों को फंसाते थे, कई लोग देते थे, कई लोग नहीं देते थे, तो बहुत सारे अभी आगे जाँच में निकल के। आपने इस मामले में जाँच की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे, इस पेज से जो भी लोग ठगे गए हैं तो हमारे पास आएँ और अपने बयान दर्ज करवाएँ, उस पर कार्रवाई। और बचने के लिए भी कोई कैसे बच सकते? बचने के लिए ये है कि आपको, यदि सीधी सी बात है, कोई चीज़ महंगी यदि आपको सस्ती मिल रही है तो क्या कारण है कि सस्ती दी जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रखें, ठीक। जब जिस चीज़ की कीमत 10,000 है तो वो कम से कम 8,000-9,000 की तो मिलेगी, 1,000-2,000 की नहीं मिलेगी। ठीक, तो जिस चीज़ की कीमत 10 से 20,000 रुपये, वह करीब 8 और 9,000 रुपये में ही मिलेगी। यदि 50% भी वेकेशनली या कोई त्यौहार पर उसे डिस्काउंट मिलता है, पर 1 या 2,000 रुपये में नहीं मिलेगी। इसलिए लालच में ना आए, महंगी चीज़ को सस्ती में खरीदने का प्रयास ना करें, और जो ऑथेंटिक वेबसाइटें हैं उनसे खरीदें, जिसके चलते आप भी ठगी का शिकार नहीं हो पाएंगे। फिलहाल दो आरोपियों को पकड़कर हबीबगंज पुलिस ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस तरीके के जो ठग हैं वो बचेंगे नहीं, पर आप भी सावधान रहें और इस तरीके की ठगी से बचने का प्रयास करें। हमारे साथ अंकित बघेल हैं, हम उन्हें बधाई देंगे कि इस तरीके के उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की, और ये पहला मामला हो सकता है राजधानी में ऐसा सामने आया हो जिसमें FIR दर्ज हुई थी, और इस पूरे मामले में फिर आरोपियों को, दोनों को सीहोर से गिरफ्तार किया गया है।